आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लबाबदार। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे जो मैंने हाफ करके रखे हैं और 1 अंडा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टमाटो कैशू पेस्ट बना के रखा है, जिसमें मैंने 2 टमाटर, 12 कैशू, 1 इंच अदरक का, 4 लहसुन, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग के दाने लिए हैं। उसको मैंने इसमें पहले मैंने इसको गर्म पानी में बॉईल किया है, उसके बाद मैंने इन सब इंग्रेडिएंट्स का एक पेस्ट बना के रखा है। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने फाइनली चॉप करके रखे हैं। इसके 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून क्यूमिन पाउडर मतलब जीरा पाउडर, और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 स्पून कसूरी मेथी और 2 तेज पत्ते। अब हम बनाने जा रहे हैं एग लबाबदार। सबसे पहले हम कढ़ाई में वाइट ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें अनियंस डाल देंगे। अनियंस को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन करके फ्राई होने के बाद हम टमाटो और कैशू का पेस्ट डालेंगे। ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ऐसे लाइट ब्राउन होंगे, इस टाइम हम कैशू पेस्ट डाल देंगे। टमाटर और कैशू का जो पेस्ट है वो हम डाल देंगे और इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक फ्राई करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आप टमाटर और कैशू का पेस्ट बनाएंगे तो इसको ठंडा होने के बाद ही आप ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिएगा। अब हम इसमें एक एक करके सारे सूखे मसाले डालेंगे। तेज पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। नमक और चीनी हमने डाल दिया है इसमें पहले से ही। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। दो मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अंडों को प्लेस कर देंगे। अंडों को इसमें देने के बाद हम इसको ज्यादा नहीं हिलाएंगे, बस इसको मसालों से कोट कर देंगे। ग्रेवी हमारी बन चुकी है, एक लबाबदार तैयार है। अब हम इसमें लास्ट क्रीम डाल देंगे। हमारा एग लबाबदार तैयार हो चुका है। ये बहुत ही एक यम्मी रेसिपी है जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।